चलो 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 भाई यार, क्या तुमने चीखना चिल्लाना लगाया हुआ है ब्लैकू? क्या मुसीबत है? इतनी देर से देख रहा हूँ, इतनी देर से इसके समझ ही नहीं आ रही है, चीखे जा रहा है, चीखे जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। तो यार दोस्तों, आज जो हूँ मैं अपने गली वाले सेटअप पे हूँ, जहाँ पे हम अपने जो मुर्गे सेल आउट के होते हैं वो रखते हैं लागे दादा, या फिर कोई और नई चीज़ लाते हैं वो रखते हैं इन पिंजरों में। तो इन पिंजरों में जो उड़े, इसको क्या हुआ है यार? अरे यार अरे ये तो रहा ही नहीं यार, बची नहीं इसमें, नहीं मर गया यार ये। तो यार ये जो है ना दोस्तों, कल रात में हमने रेस्क्यू करा था, मैंने और हमजा ने। ये रात में ना बाहर गली के अंदर घूम रहा था, तड़प रहा था बहुत ज़्यादा, मतलब सर्दी की वजह से भी, क्योंकि इनके हिसाब से तो यार सर्दी अच्छी खासी है, और इसकी जो आईज है ना उनमें इन्फेक्शन हुआ था बड़ा गंदा। बट यार रात के 1:30 बज रहे थे उस वक्त, तो उस वक्त हमने इसको रेस्क्यू करा था, तो इस वजह से ना उस वक्त कोई डॉक्टर खुला हुआ भी नहीं था, तो मैंने सोचा था यार इसको सुबह उठते ही दिखा कर ले आऊँगा। और अभी अभी मैं आया था वापसी अपनी स्टडी वगैरह से, तो फिर मैंने सोचा यार इसको लेके जाते हैं। और इसका यार इतना ही था, खैर से इसका यार किसी को पता नहीं था कि हमने इसको यहाँ रखा हुआ है, सिर्फ हमजा और मुझे ही पता था, बाबा वगैरह को भी नहीं पता था, तो उन्होंने ऊपर से देखा भी नहीं होगा, मैं ढक के चला गया था। अबे यार क्या हो गया तुम्हारे साथ? चलो भाई इसकी ज़िंदगी इतनी थी यार, इसके आज में शदीद इन्फेक्शन हुआ था दोस्तों। तो यार सर्दियाँ जब आती हैं ना, तो आप लोग भी ख्याल करा करें, अपने आसपास देखते रहा करें, कोई मतलब बिल्ली हो गए, कुत्ते हो गए, तो इन लोगों के लिए छोटी छोटी जगहें बना दिया करें, ताकि ये जो है सर्वाइव कर सकें यार सर्दियों में। कोई छोटी छोटी जगह बना दें तो बहुत अच्छा होता है इनके लिए। खैर से इसको यार मैं अभी दफना देता हूँ, और क्या कर सकते हैं। चलो भाई छोटू तुम्हारी आखिरी, बहुत प्यारा क्यूट था यार ये। चलो भाई यार सेटअप पर आ चुके हैं, और जो है यार मैंने जो बिल्ली का बच्चा था उसको दफना दिया कोने की तरफ। चलो यार तुम लोग अंदर जाओ। यार तुम्हारे क्या हुआ भाई सर पे? हैं यार क्या हो रहा है? देखो यार इसके पूरा सर फाड़ा हुआ है, ये जो है ना हमारा, ये इसको मारता अच्छा खासा है यार, उसका सर पूरा फाड़ दिया। ये देखो लाल हो रहा है, अगर मैं करीब से दिखा सकूँ, ये देखो इसका सर दिख रहा होगा तुम लोगों को। क्या है तुम्हारे को? मारे जा रहा है उसको पता नहीं क्यों। चलो अंदर। क्या हाल है भाई हमारे दोनों नए जोड़े के? हाँ भाई कैसे हो? सही है ना? और आप कैसी हैं भाभी जान? तो यार छोटी सी हैं तो इसको मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो खैर से यार तुम लोगों ने ना यार इसका मैं एक चीज़ खोलना भूल गया था, कल इसका नाम सजेस्ट करो। और वे अभी अंडा है शैल, छोटे डॉन तो इसका अंडा खा गया, छोटे डॉन इसका अंडा खा गया, पागल के बच्चे यार, अजीब हरकत है यार इसकी, कोई इसका अंडा खा गया यार। ये देखो ये पड़ी हुई सर्दी, मैं समझ रहा हूँ बीट, यार तुमने क्या हरकत करी है ये बेवकूफ। अबे यार एक अंडा यार हमारे पास इसका कल नहीं परसों आ गया था जब इसने दिया था, और एक अंडा जो है आज इसने दिया, मतलब ये भरपूर अंडे दे रही है, पर यार ये तो अंडे खाता रहेगा ऐसे, मुझे नहीं पता था इसमें ये आदत है यार। छोटे डॉन तुम बेवकूफ हो एक नंबर के, अंडा खा गया उसका यार, बताओ यार फर्टाइल अंडा होगा यार, ये तो हमारे सामने आया था आँखों के, मसला है यार कसम से। आज का दिन यार अजीब है यार बहुत, पहले हमारे को बिल्ली की खबर मिल गई है नीचे, वो नहीं सरवाइव कर पाया, रेस्क्यू करा था, और जो है इसका सर इन्होंने फाड़ा हुआ है भाई साहब ने, इसके मैंने अभी अभी पायोडीन लगाया हल्का फुल्का कि थोड़ा बहुत जो जख्म है वो सेट तो, और अब ये मिल गया, इन भाई साहब ने अंडा खा गया अपना, क्या है यार कसम से अजीब हरकतें कर रहे हैं लोग। तो यार मेरे हाथ की कंडीशन दोस्तों तुम लोग आज भी देख सकते हो, ये देखो यार ये जख्म इतने गंदे बने हुए ना, ये और ये वाला जो है ना ये मेन है, और दो ये वाले, इससे ना मेरे से काम ही नहीं हो पा रहा इस हाथ से, ज़्यादातर जो पकड़ने का काम है ना कुछ भी करना, कोई भी काम नहीं हो पा रहा मेरे से। क्या हो गया भाई, क्यों आके बैठ गए एकदम से यहाँ पे? ये देखो यार आ, चलो भाई चले गए, ऐसे इनकी मैं सुबह से देख रहा हूँ लड़ाई चल रही है, कोई बहुत सारे कौए घूम रहे हैं हमारे इधर। खैर से यार मैं ये बता रहा था कि मेरा हाथ बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रहा है, और इसी वजह से आज भी हमने ये काम रोक के रखा है यार, और आज भी मैं कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि ये दीवार और वो दीवार खड़ी होगी तो थोड़ी सी बड़ी खड़ी होगी, और जो है मुझे कुछ ईंटों का इंतज़ाम भी करना बंदोबस्त, क्योंकि देखो ईंटें कम है तो कुछ ईंटें और मंगवानी है, तो देखता हूँ यहाँ से नहीं मिली तो यार कुछ ईंटें हम नहीं मंगवा लेंगे, भले से ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 60 या 50 ऐसी ईंटें आएंगी जिसमें मेरा ये काम ईजिली हो जाएगा। तो इस वजह से यार मैं रुका हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ की वजह से, क्योंकि मेरे यकीन मानो बहुत तकलीफ है। मोबाइल तो मैं होल्ड कर पा रहा हूँ, वीडियो तो बना लेता हूँ क्योंकि सिर्फ मोबाइल ऐसे पकड़ना होता, पर कोई चीज़ होल्ड करनी है ना तो हो नहीं पा रही, क्योंकि बंद नहीं हो रहा, और हाथ की हालत आप लोग खुद देख सकते हैं मेरी,
शदीद तकलीफ है यार। तो चलो यार, अब जो है हम अपने वो न्यू कपल को खोलते हैं और चेक करता हूँ कि हमारी मुर्गी जो है वो सेटअप से अपने जो है मानूस हुई है या नहीं, क्योंकि यार मैं देखना चाह रहा हूँ। ये ना थोड़ी सी सुस्त है, और थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा सुस्त है। वो देखो बुला रहा है यार छोटा डॉन उसको, पर वो बाहर नहीं आके दे रही है। ये देखें, ये देखें, अरे जाओ यार बाहर, चलो 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 जाओ, चलो 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 खाने जाओ। अबे भाई तुम चलती क्यों नहीं हो यार? यार बड़ी सुस्त है भाई, बहुत ज़्यादा। तो यार छोटा चेतन जो है हमारा, वो मुर्गी को बुला बुला रहा है खिलाने के लिए, पर भाई हमारी मुर्गी जो है ना वो ज़रा सा बेचारा डांस करता है तो वो डर के मैडम साहिबा उधर भाग जाती हैं। और दो से तीन मरतबा मैं इसको वहाँ से यहाँ लेकर आया हूँ, और अब जो है ना देखो अब ये खा रही है, फिर छोटा चेतन जो है वो नाचना शुरू करेगा, फिर ये भाग के वहाँ चली जाएंगी। तो यार ये इन दोनों का चलता रहेगा। चलो यार फाइनली ये खाना तो इसने स्टार्ट करा ना यहाँ पे आके सही से। तो यार ये ऐसे ही ना अपने सेटअप से हमारे मानूस हो जाएगी। अभी नहीं नहीं आई है तो थोड़ा सा घबरा रही हो सेटअप पे। एक दो तीन दिन एक हफ्ता गुजरेगा, आप देखना ये खुद ही बिल्कुल ऐसी हो जाएगी जैसे सेटअप इन्हीं का है। तो यार हमारी ये वाली मुर्गी भी इस मुर्गे के साथ सेट हो गई है, और इनको यार मैंने आज बाहर खोला इस मुर्गे को। ऐसे मैं अंदर डालता था क्योंकि यार अकेला था ना, तो मैं अंदर इसलिए डाल देता था क्योंकि ये फिर बाहर आता था ना तो ये खाता कम था और मुर्गों से ना लड़ता ज़्यादा था। अब नहीं जाएगा क्योंकि ये जो मुर्गी है इसकी वजह से अब ये यहाँ पर ही रहेगा, खाने पीने में लगा रहेगा। बाकी यार हांडी में हमारे अच्छे खासे स्पेस है, ये देखो इसके अंदर जब हम डालेंगे रैबिट्स को, जब रैबिट जाएंगे और वो बच्चे देंगे तो कितना प्यारा लगेगा यार। मुझे अभी से उस वक्त का इंतज़ार है जब इसके अंदर बच्चे आएंगे हमारे रैबिट्स के, यार बहुत क्यूट से बेबीज़ जिनको हम ऊपर से ऐसे हटा के ईजिली देख सकेंगे इसके अंदर आराम से। ये देखो यार बहुत मज़ा आने वाला है यार। तो मुझसे रहा नहीं जा रहा, जल्द से जल्द इस सेटअप को कंप्लीट करते हैं यार, और इस पर यार कलर भी होगा फिर, और काफ़ी काम रहता है अभी हमारा, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा काम रहता है। तो यार हमारे जो दुम्बे मियाँ है ना, ये देखो आवाज़ आई, ये ब्लैकू की आवाज़ है यार, बहुत चीखता है नीचे। तो बहुत घर वाले भी परेशान हो रहे, उन्होंने बोला कि इसको जल्द अज जल्द तुम छत पे शिफ्ट करो अपने। तो यार इसी वजह से हमने रेट डाली थी कि ब्लैकू आ जाएगा तो मुर्गे अगर अब यहाँ छोड़ दिया करेंगे, पर ये जो है ना अभी ये प्रॉब्लम बन रहा है, तो इसको मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा आगे ले जाऊँ, उस तरफ लगा दूँ, ताकि यार ये जगह खाली हो जाए तो यहाँ पे आराम से मुर्गों को दिखे तो वो नहाने लगें। तो ये काम भी हमने जल्द अज जल्द करना है और ब्लैकू को ऊपर लाना है। पहले रैबिट का निपटा दें, फिर हम ब्लैकू को जो है यहाँ शिफ्ट कर देंगे ईजिली, और वो जो जगह है ना उधर भी हम फिर कुछ भी रख सकते हैं। कोई मुर्गी अगर हमारी कूड़ा को तो उसको हम वहाँ पर रख सकते हैं, तो वो जगह हमने तोड़ी नहीं, वो बनी रह दी है। ये लो भाई तुम्हारा और खाना, ये लो भाई, ये देखो यार ऊपर बैठा रहता है हंडी के और वहाँ से कूदता है, जंप लगाता है। तो ये लो खाओ यार, इनको दाना तो मैंने डाल दिया था, पर इनका बीवी है ना तो उसके ऐसे थोड़ा और मांगते हैं, क्योंकि उसका पोटा तो उन्होंने भर दिया, फिर बेचारों का इनका खाली हो जाता है। इस वजह से मैं इनको दो मरतबा या तीन मरतबा दाना डाल देता हूँ। तो माशाल्लाह देखें यार हमारा जो छोटा बच्चा है इनका कितना बड़ा हो रहा है माशाल्लाह से। ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए फिर हम निकालेंगे, अभी मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा। अभी तुम लोगों ने हल्का फुल्की झलक तो देख ली होगी, पर ऐसा खास नज़र नहीं आ रहा वो, तो उसके ना थोड़े थोड़े बाल आना शुरू हो गए। तो माशाल्लाह से वो अच्छे से बड़ा हो रहा है और बहुत अच्छे मतलब सेहत है उसकी। तो दोस्तों अगर मेरी हिम्मत हुई, यानी कि मेरा हाथ अगर ये वाला सेट हुआ, तो यार कल हम इसका काम वापसी स्टार्ट कर देंगे रैबिट हाउस का। कल ये वाली दीवार भी और वाली दीवार भी खींचते हैं, और मैं ईंटों का बंदोबस्त करूं, भाई को भी बोलूं कि ईंटें मंगवा के दें, क्योंकि यार मेरे से तो बाइक भी नहीं चल रही है साथ की वजह से। तो अगर ये कल सेट हुआ तो कल इसका काम इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं। इन ईंटों से एक दीवार तो फिलहाल खड़ी करते हैं यार, और इस हाथ की अब मैं थोड़ी कम मदद लूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी भी मेरे तकलीफ हो रही है, और अभी भी तुम लोग देख सकते हो सूजन आई हुई है यार। ये देखो, ये देख रहे हो, ये फूली हुई जगह है, सारी सूजन आई हुई है। तो देखते हैं यार इसका काम कब होता है पूरा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल घर में चौक को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल नए टॉपिक नए व्लॉग के साथ, अभी के लिए दीजिएगा मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय।